राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया, यू आर वाचिंग कटारिया टीवी। सब गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूं सब लोगों का, सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 10,000 सब्सक्राइबर्स गाइज, सोचा भी नहीं था कभी यार, सोचा था 10 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं सोचे थे मैंने तो। 10,000 सब्सक्राइबर्स ले गए आप यार, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। अभी लाइव आया था, आई डोंट नो क्या हुआ, जिन्होंने मेरी लाइव वीडियो देखी उन सबके मैंने आंसर दिए, जिनके रह गए एंड में थोड़े बहुत उसके लिए मैं सॉरी मांगने जाता हूँ, बट आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट, मेरा फ़ोन, सब कुछ एकदम बंद हो गया और मेरी लाइव वीडियो वैसे ही वैसी रह गई, मैं अपलोड भी नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की वीडियोज हो गई थी गाइज, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई लैपटॉप एंड माई फ्रॉम इंटरनेट राइट नाउ। बट एनी वेज, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्पाउस वीज़ा और प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड। क्या स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आए हो, तो मैं उस बारे में बात करूँगा वीडियो के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे दो रेड बटन को क्लिक करो, सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम है कटारिया007 और फेसबुक पे पेज है कटारिया टीवी के नाम से, स्नैपचैट पे भी है पी के पारस, जहाँ फॉलो करना है वहाँ फॉलो कर लो, आपका भाई हर जगह आंसर मिलेंगे आपको। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। आइए शुरू करिए वीडियो। वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आजकल जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज में वर्क परमिट है कि नहीं है। गाइज, अगर आप ओंटारियो की बात कर रहे हो या पूरे कनाडा की बात कर रहे हो, क्यूबेक को छोड़ के, क्यूबेक में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, यहाँ पे हर कॉलेज को, एवरी सिंगल कॉलेज को वर्क परमिट है ही है। डजेंट मैटर कि 2 साल का है, 3 साल का है या 1 साल का है, पर है ही है। क्यूबेक की बात नहीं कर रहा मैं गाइज, क्यूबेक को सेपरेट रख दो, पूरे की कनाडा की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग वैंकूवर और टोरंटो में आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जिनके बैंड कम होते हैं, जिनका गैप ज़्यादा होता है, या एजेंट्स आजकल इंडिया में जो बहुत सारी डीलिंग चल रही है कि सारे पैसे वीज़ा के बाद लेते हैं, वो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में आ रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस का ओंटारियो में या वैंकूवर में अगर मैं इधर बात करूँ, तो वर्क परमिट नहीं है गाइज, वर्क परमिट नहीं है, उनको आगे कॉलेज चेंज करना पड़ता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कॉलेज चेंज कराने से रिलेटेड, नीचे दिए हुए लिंक में, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, मेरी वेबसाइट का लिंक है वो, और मैं उसमें अपनी जीमेल आईडी भी डाल रहा हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कॉलेज चेंज करवाना है या कुछ करना है, तो नीचे जाके चेक कर लो, वहाँ जाके मेरा नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। किसी को कोई स्टडी से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड, कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, तो वहाँ जाके आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। सो मैं बात करता हूँ, अगर आप जैसे प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, वर्क परमिट नहीं है उसका, तो जैसे कि कुछ अपने हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जो मैरिड होते हैं, जो कपल्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, या वाइफ आ जाती है या हस्बैंड पहले आ जाते हैं। सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हम अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आए हैं और आपने आते ही या थोड़े टाइम बाद अपना कॉलेज चेंज नहीं करवाया और आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके स्पाउस का वीज़ा नहीं आएगा, बिकॉज आपके कॉलेज का वर्क परमिट नहीं है, उनका भी वीज़ा नहीं आएगा और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और हो सकता है बैन भी हो जाए। आपको एक केस बताता हूँ, एक केस मेरे पास आया, वो उनकी वाइफ यहाँ पे आ गई थी पहले, उन्होंने लाइजन कॉलेज था टोरंटो में जो है, वो प्राइवेट कॉलेज है, वो यहाँ पे आई, उन्होंने एक सेमेस्टर लगाया, एनरोलमेंट लेटर ली, सब कुछ लिया, और उन्होंने अपने हस्बैंड की फ़ाइल लगा दी स्पाउस वीज़ा में, जो फाइल लगती है वो लगा दी, और उनके वीज़ा, जो उनके हस्बैंड का वीज़ा था, वो रिजेक्ट हो गया। सो उनका रीज़न यही आया कि आपके कॉलेज का वर्क परमिट है ही नहीं, तो आप अपने स्पाउस का वर्क वीज़ा कैसे लगा रहे हो। सो गाइज, ये प्लीज़ गलती ना करना, बिकॉज अगर एक बार रिजेक्शन का ठप्पा लग गया ना इमिग्रेशन के पास, तो अगली बार आप वीज़ा लगाओगे तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हर बार मैरिड कपल यही सोच के आता है कि यार हम अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाएं, हम अपनी लाइफ सेटल करें, बिकॉज मैरिड कपल का अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये जो वीडियो में मेन बनाने का मोटिव है, ये सिर्फ इसीलिए है कि यार स्पाउस वीज़ा का जो आप अपना परमिट लगा रहे हो, वर्क परमिट लगा रहे हो, वीज़ा लगा रहे हो उनका, वो बहुत ही सोच समझ के किसी अच्छे एजेंट से लगाना, उसमें बहुत सारे पेपर्स लगते हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, तो गाइस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्राइवेट कॉलेज से उनका वीज़ा मत लगवाना, बैन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में बैठ के बहुत टाइम लग जाता है उसको फिक्स करने में। एक बार एक लड़के का बैन आ गया 4 साल का। सो गाइस,
4 साल का अगर बैन आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वैसा वैसा कुछ ना करना। प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, इट्स ओके, डजेंट मैटर, यहाँ आके कॉलेज चेंज करो, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपका कॉलेज चेंज करवाऊंगा, मैं ही आपकी स्पाउस वीजा फाइल लगवाऊंगा, मुझसे नहीं लगवानी, किसी और से लगवा लो, बस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप अपने प्राइवेट से ना लगवाना बस। ये जो मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटिव था वो यही था। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल देनी थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, कमेंट कर लो, मैसेज कर लो, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, कुछ कहीं पे भी कर लो, जब जब मुझे टाइम मिलता रहता है मैं हर एक कमेंट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।